नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में वो लिस्ट लगातार लंबी हो रही है जिसमें बिहार के कई बड़े नेता कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरसीपी सिंह में कोरोना का लक्षण था जिसके बाद उनकी कोरोना जाँच कराई गई और कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद आरसीपी सिंह को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। आरसीपी सिंह लगातार एक्टिव थे कोरोना संकट के दौरान और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जिस तरह से जेडीयू जुटी हुई थी, पूरी तरह से चुनावी मोड में जेडीयू नजर आ रही थी, तो जेडीयू को चुनावी मोड में ले जाने का श्रेय आरसीपी सिंह को दिया जा रहा था। विधानसभावार सम्मेलन कर रहे थे आरसीपी सिंह और कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संवाद कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे और पूरी तरह से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन अब बड़ा झटका लगा है, कह सकते हैं जेडीयू को। आरसीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। और जो खबर है वो यह भी है कि आरसीपी सिंह से जुड़े कुछ नज़दीकी लोगों की भी कोरोना जाँच कराई जाएगी। तो लगातार लिस्ट लंबी हो रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह से शुरू हुआ यह सिलसिला, कहां जाकर थमेगा कहां नहीं जा सकता। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह संभवतः शायद बिहार के वो पहले बड़े नेता थे जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना को मात देकर वो घर लौटे, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह, शैलेश कुमार और विजय कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव, कांग्रेस विधायक आनंद शंकर, बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार की पीए की कोरोना से मौत हुई, बिहार के कई डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है। और यही नहीं, कई बीजेपी के 80 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो लगातार बिहार के सियासी गलियारों में कोरोना की एंट्री हो रही है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, उसका मतलब कहीं यह तो नहीं है कि स्थिति इतनी भीषण हो गई है कि आप घर से निकले और संक्रमित होंगे। अगर आप एक्टिव होंगे और अगर आपका बाहर आना जाना होगा तो आप संक्रमित होंगे, आप लोगों से मिले जुलेंगे तो संक्रमित होंगे। क्या क्या बिहार में कोरोना ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। आरसीपी सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। और इसके पहले तमाम नेताओं के नाम हमने आपको बताए, लोग संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के कई डॉक्टरों की मौत हुई है, कई डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हैं। बिहार में एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मौत कोरोना से हुई है। आंकड़ा 50,000 के पार जा पहुँचा है। तो संकट की भयावहता को समझना होगा इन तस्वीरों के जरिए, इन खबरों के जरिए, जिस तरीके से लगातार बिहार के सियासी गलियारों में कोरोना की एंट्री हो रही है और जिस तरह से खबरें आ रही है उससे चुनाव पर भी बड़ा संकट मंडराता जा रहा है। जिस तरह ऐसी खबरों से बिहार विधानसभा चुनाव पर भी संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई बिहार में विधानसभा के चुनाव हो पाएंगे? विपक्ष लगातार चुनाव टालने की मांग कर रहा है और अब जब इस तरह की खबरें आ गई है, इस तरह की खबर आ रही है, तो विपक्ष का जो विपक्ष की जो मांग है वो और तेज़ हो सकती है। इस खबर में इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।